نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم آدمی کا جسم کیا ہے کہ جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ہے اور ایک مٹی کا مکان آدمی کا جسم کیا ہے کہ جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ہے اور ایک مٹی کا مکان گارا جس کا خون ہے اور اینٹیں جس کی ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائے گی دیکھتے ہی یہ عمارت خاک میں مل جائے گی ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تکبیر تحمید تسبیح تحلیل صرف اور صرف اللہ کم الحاکمین دی شان شایان ہے لکھاں کروڑاں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء فخر الانبیاء خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ساڑھے بڑے ہی قابل فخر شاگرد قاری عبد الوحید صاحب دی دعوت تھے دوسری مرتبہ تو صحاباب دنال گفتگو دا موقع میسر آیا ہے اللہ رب العزت ساتھا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جن بچہ نے قرآن مجید حفظ کیتا ہے اللہ رب العزت اینا بچہ نو صحیح مانے دے اندر دین دا بہت بڑا عالم بنے والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ بنا دا عظمت قرآن کانفرنس سے اور مینو جڑا موضوع دیتا گیا ہے او فکر آخرت واجب الاحترام بزرگو ساتھیو میری معززات مکرمات با پردہ با حیا ماؤں بہنوں بیٹیوں انسان کی چیزیں کدی بیٹھ کے نہ اپنے آپ کلیاں ایک غور کریا دے کہ میں کی چیز ہوں من نطفت خلقہ فقدرہ
40 दिन तक इंसान अपनी माँ के पेट च एक नुतफा है, एक कतरा है, फिर 40 दिन तक गोश्त का लोथड़ा आला का चिमट जाता है रहमे मादर दे नाल। सुम्मा मी मुजगा तेन, फिर उस गोश्त दे लोथड़े नू कुछ हड्डियां ते कुछ शकल और अल्लाह रब्बुल इज्जत दी तरफों कुछ सूरत मिलना शुरू हो जाए। 120 दिनों तो बाद रूह फूक दिती गई। 9 महीने अल्लाह मां दे पेट च ठहरांदे ने। वनुकिरु फिल अरहाम मा नशा, अल्लाह कहंदे ने मैं जिन्नी देर चाहवां ठहरा सकदा। सऊदी अरब दे अंदर एक औरत दे हां पेट च 9 साल बच्चा रहा और 9 साल बाद अल्लाह ने उन्हें 9 बेटे अता किए। जिन्नी देर रब चाहे मां दे पेट च ठहराएगा। सुम्मा नुखरिजुकुम तुफलन, फिर तुसी बच्चे हो और मां दे पेट चो निकल आंदे हो। कोई ते निकलदे ही रब कोल टुर गया। बाप अजे बाजारों खिलौने लैके नहीं आया, पता चलता है कि बेटा रब कोल चला। किसे नू अल्लाह कहंदे ने लितबलुगु अशुद्दकुम, मैं जवान कर देना, आखर आना तो मेरे कोल ही है। सुम्मा लितकूनु शुयूखन, कुछ थोड़े चो बड़ी उम्र नू भी पहुंच जाते हैं ते दाड़ियां चिटियां हो जाना ते उम्र ढल जाए। वैसे ते 40 साल तो बाद ही ढल जाती है, जिंदगी दी असर हो जाती है। ते फिर एक काम जरा जोरों शोर नाल करया करो। जेड़े बाबे माशाल्लाह सुन रहे ने, वैसे ते सारियां वास्ते ये नुस्खा बड़ा कीमती। फरमाया इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا। ओ मेरा नबी, अल्लाह दी मदद आ गई, अल्लाह दी नुसरत आ गई। लोग जोग दर जोग ते फौज दर फौज दीन च दाखिल हो गए। तुसी बुढ़ापे दी उम्र नू पहुंच गए। फसबिह बिहम्द रब्बिका वस्तगफिर, हुण हर वेले रब दियां तस्बीहां करया कर, हर वेले इस्तगफार करया कर। वापसी दा सफर शुरू होने वाला है, रब नू याद करया कर। अल्लाह दे दरबार च खड़े हो के जिंदगी दा हिसाब देने। क्यों जी, रसूलों कोलों कोई गलती हुंदी? अल्लाह दे जिहड़े रसूल दुनिया ते आए ने इन्हां कोलों कोई गलती हुंदी? अल्लाह फरमाते ने मैं रसूलों कोलों भी पूरी जिंदगी का हिसाब लाँ। कुछ बुढ़ापे च पै टुरनगे, कुछ जवानियों च जाणगे, कुछ बचपन च जाणगे। एक वक्त सी तेरा मेरा नाम लैण वाला कोई नहीं, असी दुनिया ते नहीं सां। जरा बात तवज्जो ते गौर नाल सुनिया, इंसान नहीं सी, फिर मां दे पेट च रहा ते फिर मां दे पेट चो निकलिया। नहीं रह जाएगा जिवें नहीं सी, फिर मां दे पेट च हुण कबर दे पेट च, फिर जिवें मां दे पेट चो निकलिया ना इवें ही कबर दे पेट चो निकलना। ए इंसान है बस, पता नहीं छोटी जी जिंदगी च इंसान केड़े केड़े पासे टुर जाता है। अपने रब्बे करीम को धोखा क्यों खा जाता है? हैसियत की है, हकीकत की है, तू शह की? जिस पानी दे कतरे दा नाम लेना कोई मुनासिब ना समझे,
कोई डॉक्टर हजरात भी बैठे होंगे माशाल्लाह थोड़े च औरत दे एक्स वाई दे मर्द दे जरसूमे मिल के बच्चे की शकल पे बन दी है किसे जरसूमे नाल नक बनया किसे जरसूमे नाल अखां बनिया किसे जरसूमे नाल जुबान बनी किसे जरसूमे नाल हाथ बने किसे जरसूमे नाल पैर बने किसे जरसूमे नाल तेरा वजूद बनया और तेरी हकीकत यह है तू केड़े मूह नाल कहना मैं बड़ी शह हां कदी बैठ के गौर कर ना तू की शह सूरह तारिक ते माशाल्लाह तुसी पढ़ दे हो वस्समा इव तारिक वमा अदरा का मत तारिक अन्नजमु साकिब अल्लाह ने आसमान की कसम चुकी है तो सानू पता ही को नहीं आसमान की है 500 साल का लंटर ते बगैर सतूना तू खड़ा है असी उहदी हकीकत नहीं जान सकते और ना ही तारिक नू समझ सकने आसमान का बड़ा चमकदा है सितारा अन्नजमु साकिब अगे चल के अल्लाह कहंदे ने फल यंजुर अल इंसान मिम्मा खुलिक ओ इंसान तू एक गल ते समझ सकना है ना कदी गौर कर तेनू अल्लाह ने पैदा किवें कीता है किवें पैदा होया है कदी बह के गौर कीता है सी फल यंजुर अल इंसान मिम्मा खुलिक खुलिक मिम्मा इंदाफिक यखरुजु मिन बैनि सुलबि व तराइब औरत दी छाती ते मर्द दी कमर चू निकलन वाला पानी जिदे तू अल्लाह ने इंसान नू पैदा कर दिता है असी भाई कोई शह नहीं है गल याद रखो जेड़ा बंदा अपने आप नू कुछ है समझदा है ना वो गल्लां ते कुछ अजीब जिया ने कदी वाशरूम जावे ते वेख्या करे वो की शह है कोई शह नहीं अल्लाह दे आजिज बंदे बनो इनकिसारी करन वाले बनो गिरियाजारी करन वाले बनो रब दे सामने झुकने वाले बनो अपनी जुबान तू कदी बड़ा कलमा ना कड़िया कर कदी दिमागे चपने आप नू बड़ा ना समझिया कर कदी तेरी जुबान ते नहीं आना चाहिदा मैं बड़ी चीज हाँ मैं तेनू दसना मैं की शह तू कोई शह नहीं एक गंदे नुतफे तू बनया इंसान है और जिदे तेरी मौत वाके होएगी अल्लाह मुआफ फरमाए फिर माफ फरमाए सत सत दफा गुसल देना पैंदा है इंसान पाक नहीं हुंदा और ये कहना मैं बड़ी शह एक दफा असी प्रोग्राम ते आ रहे साथी का फोन आ कि पांच मरतबा गुसल दे लिया है ते मैयत अजे पाक नहीं पी हुंदी ए बड़ी शह चौधरी साहब ए डेरे ते वडेरे ए जिहड़े सानू रब दी जात तो दूर करदे ने ना अल्लाह शिकवा पे करदे ने मा गर्रा का भी रब्बी कल करीम ओ इंसान तेनू तेरे रब तू केड़ी शह दूर कर गई कदी बैठो भाई सोचो कल्ले बैठ के सोचो गौर करो अबू मामा बहली रजी अल्लाह ताला नो फरमाते ने कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे नाल सन ते कबर खोदी जा रही आप कबर ते बैठ के इन्ना रोए के सामने वाली मट्टी तारो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लि मिसली हाजा फलयुइदू ओए लोगो एदी तैयारी कर लो एदी तैयारी कर लो बड़ा सख्त मरला है अल्लाह ताला सानू सारे नू महफूज फरमाए अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दा नाम तुसी यकीनन सुने होगा बहुत जलील उल कदर इंसान बहुत बड़े मुहद्दिस उन्हां दे जमाने दे उलमा कहंदे ने कि सानू समझ ही नहीं सी आंदी अब्दुल्ला बिन मुबारक नू अल्लाह ने दुनिया ते इन्नी इज्जत क्यों दे दित्ती असी भी इलम पढ़ने ओ भी इलम पढ़दे ने असी नमाजा पढ़ने वह भी पढ़ते हैं उमरे हज असी भी किए ने उन्हें भी किए ने इलम भी कट्ठा उस्ताद भी कट्ठे उम्र भी इको वर्गी वजह की है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक इन्नी इज्जत पा गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्होंने नाम पूरी दुनिया से बुलंद कर दे कहते ने फिर एक दिन मैनू वजह लभ गई किवें लभी साड़ी किसी ने दावत की असी घर बैठे चिराग होंगे सन दो तेल आए ते चिराग बंद हो गया ना बुझ गया ते ओ घर दा चुक के लै गया उन्हूं सही करन वास्ते ते जो चिराग वापस लाया ना एवं दो मिनट बाद सही करके ते अंदर रोशनी हुई ते मैं की वेख्या अब्दुल्ला बिन मुबारक दी दाढ़ी आंसुआं दे नाल तार होई पई कबर दा अंधेरा याद आ गया कदी गौर कीता असी कबर दे अंधेरे नूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदना साद नूं दफना के ना कबर ते बैठ के फरमा रहे सन इन्ना लिल कबर जज्जा ओ लोगो अच्छी तरह सुन लो कबर हर बंदे नूं झजोड़ दी जे
इन्ना लिल कबर इज्जत लो नजा मिनहा लनजा साद इब्न मुआज। की इंसानियत है, क्या अखलाक है, क्या इबादत और रियाजत है। 6 साल गुजारे ने साद बिन मुआज रजी अल्लाह ने इस्लाम में, सिर्फ 6 साल। इन्ना रब नू राजी कर गए, इन्ना रब नू मना गए और इनिया इबादतां कर गए। एहतज्जा अर्शुर रहमान लि मौत साद। नबी कायनात अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया साद दी मौत वाके हुई ना ते अल्लाह दा अर्श भी हिलन लग पिया। इस साध दी कबर ते बैठ के आप फरमा रहे ने कबर एक दफा इंसान नू आके झंझोड़दी जरूर है। अगर इस कबर दे झटके तो इस दुनिया च कोई महफूज रह सकता हुंदा ते अल्लाह ने साद बिन मुआद नू रखना सी, लेकिन वह भी रब ने मैनू दिखाया है कि कबर ने एक दफा साध नू भी झंझोड़ दिता है। मेरे भाइयों बड़ा कठिन मरला जे, बहुत कठिन मरला। ये नहीं कि बस जिवें साडे लोग कहंदे ने ना नाउज बिल्ला मरांगे तो वेखी जाए, जिधर लोग जाणगे असं भी उधर टुर जाएंगे। वो कमले वो किहड़ियां गल्लां करदे हो, किस बात नू समझदे हो तुसी? बनी इसराइल दे अंबिया ना कब्रस्तान चो गुजर रहे सन ते अल्लाह ताला दे कोलों दुआ कर दित्ती कि या अल्लाह एक मुर्दा बार कढ़ना। सिलसिला सहीह च शेख अलबानी रहमहुल्लाह रिवायत लियाए ने एक मुर्दा बार कढ़ असी उहदे नाल गल करनी। अल्लाह ताला ने मुर्दे नू बार कढ़ता कबर च ते कहन लगे हाँ भाई की हाल है तेरा कबर च। मेरे दोस्तों बुजुर्गों गल तो सीधी जी है, कबर दो हालत ही है बस। इम्मा रौजा तुम मिन रियाज़िल जन्ना व इम्मा हुफरा तुम मिन हुफरिन नार। नबी कायनात अलैहि सलाम ने फरमाया या कबर जन्नत दा बाग है या जहन्नम दा गढ़ है, तीसरी कोई शक्ल नहीं। अल्लाह ताला ने मुर्दा कर दिता। अच्छा वजह यही सी सईदना उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह तआला नो अमीरुल मोमिनीन कबर ते बह के जदों रोंदे ना ते उन्हां दी दाढ़ी पूरी दी पूरी तर हो जांदी सी। ते किसे कहन वाले ने कहा उस्मान तुसी माशाल्लाह कुरान दे जामे हो, तुसी कुरान नू जमा कीता है और बड़ा कुरान नू थोड़ा शगफ है, जन्नत जहन्नम दी आयतां पढ़ के नहीं जे इन्ना रोंदे? उदों थोड़ी ये हालत नहीं हुंदी जदों कबर ते आके रोंदे हो। कहन लगे मेरे हबीब का फरमान है अव्वलु मंजलिम मिन मनाजिलिल आखिरा। बड़ी लंबी सीढ़ी है आखरत दी, बड़ी लंबी सीढ़ी है। ये उस सीढ़ी का पहला जीना है जेड़ा कबर तो पास होया वो फिर पास हो गया और जेड़ा इत्थे नाकाम हो गया नाकाम है। बहुत सख्त मुर्दा बाहर निकलिया ना तो पूछन लगे कितनी देर हो गई तेनू फौत हो? कहन लग्या के मेरी कबर च जन्नत दियां नेमतां, दुआ करो अल्लाह सानू भी अता फरमाए। जन्नत दियां हवावां, जन्नत दियां फिजावां, जन्नत दे बिस्तर, जन्नत दे खाने, जन्नत दे लिबास, सब कुछ जन्नत दा। लेकिन पता की कहन लग्या? कहंदा मैं 100 साल हो गया मैनू मरिया नू ते जेड़ी मौत दी सख्ती ते मौत दा सख्त जायका 100 साल पहले सी ना वो अजे भी बाकी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत। हर जान ने मौत का जायका चखना है ना भाई, हर जान ने मौत का जायका चखना है। तैयारी करो, अल्लाह सानू सारे नू तैयारी दी तौफीक नसीब फरमाने। जिस तरह मां दे पेट चो बच्चा निकलता है ना इवें ही कबर दे पेट चो निकलेगा। हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद्दहर लम यकुन शैयम मज़कूरा। ओ इंसान तेरे ते एक वक्त ऐसा भी सी तेरा कोई नाम लैन वाला नहीं, तेरा वजूद ही नहीं सी, फिर अल्लाह ने तेनू पैदा कर दिता है। थोड़ी जी जिंदगी गुजार के तेरा वजूद खत्म हो जाएगा, तेरा नाम खत्म होएगा। सब तो पहला तेरा नाम मिट जाएगा, कोई नहीं कहेगा फुलां चौधरी दे जनाजे नू कंधा दियो। लोग कहेंगे मैयत नू चुको ते मैयत नू कंधा दे दियो। फिर मां दे पेट च एक अरसा गुजारे, कबर दे पेट च एक अरसा गुजारेगा।
मां दे पेट चू किवें निकलिया हुफातन उरातन उरलन। मेरे पैगंबर ने फरमाया कबरां फट जान गियां। वनुफी खफी सूर फाइदा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यनसिलून। तीन दफा फरिश्ता फूंक मारेगा। फसाई का मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज। पहले ही नफके थे पूरी दुनिया थे भूचाल आ जाएगा। इदा वकातिल वाकया कयामत कायम होने लगी जे। इनू तामा भी किया, इनू साखा भी किया, इनू कयामा भी किया, इनू साह भी किया। अल्लाह ने बड़े बड़े नामा नाल कयामत नू पुकारिया। हौल ना किया रब्बे काबा दी कसम देखिया ना जान गिया। इज शमसु कुवरत व इजल नुजूम कदरत व इजल जिबाल सुयरत व इजल इशार उतिलत व इजल वुहूश हुशिरत व इजल बिहार सुजिरत व इजल नुफूस जुविजत व इजल मौदत सुइलत बी अय्य ज़म्बिन कुतिलत। अल्लाह फरमांदे ने आसमान फट जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, समंदरा नू अग लग जाएगी, इन्ना पहाड़ा नू अल्लाह रूई बना के हवावें छुड़ा देगा। सारे दे सारे समंदरें च अगां लग गईयां, समंदरा नू अगां लगियां ते फुजिरत ते सुजिरत बन गए। वाइदन नुफूस जुविजत रूहां हुण जिस्मां दे नाल मिलाईयां जा रहियां ने। वाइदल इशारु उत्तिलत दा महीने दी हामला ऊंटनी अरबियां नू पसंद बड़ी। अल्लाह कहंदे ने ऊंटनियां भजियां फिरदियां होणगियां, कोई इन्हां नू संभालन वाला ना होएगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतीही व बनीही। इंसान अपने माँ बाप तो भज जाएगा, अपनी औलाद ते बैठे बेटियां तो दूर हो जाएगा, अपनी बीवी ते बच्चियां नू छड़ जाएगा। यौमा तरौना तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़त व तज़ऊ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमला व तरन्नासा सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। औरतां दे हमल डिग पैणगे, हालांकि लोग अकलां वाले होणगे लेकिन लगणगे एवें जिवें सारे दे सारे ही मदहोश ते बेहोश हो गए। क्यों? अल्लाह फरमांदे ने तनज़्ज़ुलुल मलाइका तशक्का कुछ समा आसमान फट रहा है, फरिश्ते आ रहे ने। वल मलक कुछ सफन सफा हुण की होण लगे। अल्लाहु अकबर। वजा रब्बु का वल मलक सफन सफा। अल्लाह आ गए ने, रब दा दरबार सज गया। पूरी जिंदगी दा हिसाब हर बंदे दे कोलू अल्लाह लवेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा दुनिया ते ऐसा नहीं जेड़ा रब दे सामने खड़े हो के अपनी पूरी जिंदगी दा हिसाब ना दे। भाइयो, कबर चो निकलन वाला मरहला ही अगर ले लो ना, वैसे ते मौत एक खुद बहुत बड़ी सख्ती वाली चीज है, सीधी बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने कई लोगों दी रूहां फरिश्ते एवें कढ़णगे, थोड़े जे दूर खड़े हो के ना फरिश्ते कहणगे अखरिजु अनफुसकुम। चौधरी साहब जरा रूह अपनी बार कढ़ के विखा ना, तू दुनिया ते बड़ी शह बनया फिरदा सी ना, मैं बड़ी शह हाँ, जरा अपनी रूह ते बार कढ़। असी आ रहे सां व्याड़ी ते एक साथी ने ना ट्रेन दे अगे छाल मारती, बेचारे दुनिया दे तंग आए। उन्हां नू इन्नी समझ नहीं आती कि असी ये आरजी ते ही तकलीफ ते बर्दाश्त नहीं कर रहे, हमेशा दियां तकलीफां किवें बर्दाश्त करां। खुदकशी करन वाले ते अल्लाह ने अपनी जन्नत नू हराम कर छड़िया, सीधी जी बात है। बल्कि एक सहाबी बेचारे जिन्हां नू इलम नहीं सी इस बात दा, वो जंगे च उन्हां दा बाजू कटिया ते वह जरा रुकावट बन रहा सी, पैर थले रख के झटका दिता, बाजू जुदा करता, वो इन्ना कु खून निकलिया ते इन्ना कु खून बह गया उन्हां दा कि मौत वाकई हो गई, खुदकशी वाली मौत लिख ली फरिश्तिया ने। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उन्होंने जहन्नम में वेख्या। तो फिर रब को दुआ आपने की, अलहदा बात है कि अल्लाह तेरे इस बंदे नू इलम नहीं सी इस बात का। इत्थे जनाब कोई अपने आप नू गोली मारी जांदा है, कोई जहर खाधी जांदे ने, कोई उत्तों डिगदा है, कोई किस अंदाज नाल अपने आप नू मारी जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कतला नफसहु बिहदीदतिन, जिन्हें कोई छुरी मार ली खंजर मार लिया
बड़ी तकलीफ वाला मरला है ना। आपने फरमाया जिस हालत च कोई इंसान अपने आप नू मारेगा कयामत तक अल्लाह नू वो तकलीफा देंदे ही रहेंगे। जिन्हें जहर दे घुट पीते ने तड़प तड़प के मरते ने असीं वेख्या एक बंदे नू अपनी अखां नाल उहदी जान ही नहीं सी निकल रही। इस हालत च कयामत तक उन्हों अजाब हुंदा रहेगा और फिर कयामत वाले दिन अल्लाह उन्हों जहन्नम में छोड़ देंगे। वो तू दुनिया दियां तकलीफां बर्दाश्त करना आईया भी ते तेरी वजह नाल ने सीधी जी बात है। अल्लाह कहंदे ने ज़हर अल फसाद फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत अयदी नास, मैं ते जुलम नहीं करदा, ये तेरे अपने हत्थां दी कमाई है कि तेरी इस बदअमली की वजह नाल दुनिया ते दुनिया समंदरां च भी अल्लाह अग लगा देना। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु दे बहुत बड़े शगीर्द ने माया नाज शगीर्द वयलअनुहुमुल्लाइनून कुरान दी इस आयत दी तफसीर च कहंदे हुंदे सी बंदा जदों गुनाह करे ना ते चरिंदे ते परिंदे ते हैवान भी उहदे ते लानत करदे ने कि तेरी वजह नाल अल्लाह ने रिज़क ही रोक लिया, ये तेरे ही ते गुनाहां दा नतीजा सी, हुण जे रब सजा पिया देंदा ते भुगतना उहनूं सबर करके हुण अपने आप नूं खुदकुशी दी मौत च लै आंदे ने। यकीन करो मैं ट्रेन उन्हें छाल मारती अगे ट्रेन उहदे उत्तों लंघी दोवें बाजू उड़ गए दोवें पैर उड़ गए लेकिन मरिया नहीं। पर रब ना चाहे तो मौत वो बचावन ते आवे तो मार नहीं सकता, जे मारन ते आवे तो बचा कोई नहीं सकता, साडा तो अकीदा है। और ये गल सुन लो तुसी माशाल्लाह अहले इलम अहले अकल बैठे हो, अपने इस जिसम की हिफाजत करना मेरे और थोड़े ते जरूरी है। असी अपने जिसम के मालिक नहीं रह गए, मेरा जिसम मेरी मर्जी, ये जिसम भी रब दा, इहदे ते मर्जी भी रब दी। जे तेरे जिसम ते तेरी मर्जी हुंदी ना ते फिर कदी तू अपने आप नू बुढ़ा ना होण देंदा, फिर तू कदी अपने आप नू बीमार ना होण देंदा, फिर ये जवानी जिहड़ी तेरे ते आई सी इहनू तू खत्म ना होण देंदा। लेकिन वो गुजरे दिन कदी वापिस ना आणगे, क्यों? ना जिसम तेरा ना मर्जी तेरी, ये रब दा है। इस वजह नाल कोई बंदा किसी नू अपने जिसम का कोई हिस्सा नहीं दे सकता, ये गल याद रखिया। कहंदे ने जी मैं मर जावां ते मेरियां अखां हदिया कर दिया जे, मेरा दिल कढ लिया जे, मेरे गुरदे किसी नू दे दिया जे, तू कौन उन्हें देण वाला? ये तेरे रब दा जिसम है। एक एक जिसम के हिस्से के बारे अल्लाह कयामत वाले दिन सवाल करेगा। इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लू उलाइका कान अनहु मसूला, एक एक चीज के बारे अल्लाह पूछणगे, ये तेरियां अखां तेनू दित्तियां सी, इन अखां दे नाल की वेखदा रहा है तू? ये तेनू मैं कान दिते सी गाने सुनने वास्ते, ये तेनू दिल दिता सी बुरियां सोचा सोचण वास्ते। भाईओ एक बड़ी प्यारी जी हदीस सुन लो। वैसे तो माशाल्लाह तुसी तरजा तुरजा वाले खिताब सुनते रहो, मैं तो अगे कह रहा सी मैं सबक सुना के जावांगा इंशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक दफा अपने सहाबा नू बैठे बैठे एक बड़ी खूबसूरत बात समझाई। आपने फरमाया मेरे सहाबा रब दा हया करिया करो, दुआ करो अल्लाह सानू सारिआं नू बा हया बनने की तौफीक नसीब फरमाए। टीवी इंटरनेट मोबाइल फिल्मां सोशल मीडिया इहदी वजह नाल हया उठ गया। शेख अब्दुल रजाक साहब भी यही गल्लां कर रहे सन, इन्हें हया साडी जिंदगी चो खो लिया। बा हया बनन की कोशिश करो, बा हया बनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत ते चलने वाले उमर रजी अल्लाह अन्हु दे जमाने च, बाद ने उमर बिन अब्दुल अजीज भी लिखिया, एक पूरा इस्लामी लश्कर जंग ते निकलिया ना ते दुश्मन ने अगे नंगी औरतों की सफ बनाती। हमेशा औरत दे नाल फितना खड़ा करदे ने। पूरे दा पूरा लश्कर गुजर गया, किसी ने नज़र उठा के नहीं वेख्या, क्यों? अखां च हया है। चले वो तो बड़ी दूर की गल है, पिछले दिन की गल है। एक अंग्रेज मुल्क च ना एक बड़ा नौजवान है साथी, बहुत अच्छा दीनदार, वो लिफ्ट च आ रहा सी, एक अंग्रेजनी दूसरी तीसरी मंजिल तो उन्हें बटन दबाया तो दरवाज़ा खुलिया तो भी अंदर आ गई। वो साफ जर बेलबास जी होंदिया ने, तो उन्हें ना अपना चेहरा परे कर लिया दीवार वाली साइड से। उन्हें बड़ा ताजुब हो, इन्हां दियां जिंदगियां तो होंदिया ने नऊज़ बिला खंजीरां वर्गियां, खंजीर खांदे ने ते ओहो ही काम खंजीरां वाले। उन्हें उन्होंने दावत दी, उन्हें कहा मैं
कोई लौंडी ते नहीं, मैं कोई गुलाम ते नहीं, मैं कोई आम औरत नहीं, मैं खानदानी औरत हाँ, इंतहाई खूबसूरत और ऐन जवानी की मेरी उम्र है, तो तू ये की काम कर रहे हैं, नजरा परे कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ईमान इन्हू कहने। नौजवान ने परे मुंह करके ही कहा, मेरा इस्लाम मैनू इजाजत नहीं देना। इस्लाम पक्का होवे ना, दुनिया आखरत दियां खुदा दी कसमें इज्जतां जे। अल्लाह अकबर, लड़का अपने हौसले चला गया। दो दिन बाद ओहो ही औरत पर्दा करके उन्हें आगे दा दरवाजा खड़काया। इन्हें दरवाजा खोलिया तो बा पर्दा अगे खड़ी है, तो कहन लगी, जेड़ा इस्लाम तेनू मैनू वेखन की इजाजत नहीं सी देंदा ना, जरा कलमा पढ़ा ना मैनू। ईमान हो ना पुख्ता, तो फिर अल्लाह ताला इंसान की जिंदगी दे विच दूसरियां दियां जिंदगियां भी बदल छड़दा है। ते अगर हया होवे नऊज बिल्ला खत्म हो जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हया ही ना रहे फिर जो मर्जी करते, फिर वो अल्लाह नू थोड़ी की परवाह है। बा हया बनो। आपने फरमाया, यू अन्नास इस्तहयू मिन अल्लाह हक्कल हया, मेरे साहबा अपने रब दा हया करया करो। साहबा कहन लगे, असी हया करने अल्लाह ताला दा। आपने फरमाया, नहीं तुसी होर गल समझ रहे हो। बड़ी कीमती हदीस, फरमाया जिस बंदे ने रब दा हया करना है ना, वह चार काम करे। मैं भी थानू ये सबक देंगा, चार काम अपनी जिंदगी उतार लो, रब्बे जुल जलाल की कसम है कामयाब हो जाओगे। की चार काम ने? पहला काम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरादा यस्तहजिया मिन अल्लाह हक्कल हया फलयहफजिर रअस वमा वआ, अपने सर और सर दे इर्द गिर्द दी हिफाजत करना शुरू कर दो। साइंस कहती है कि सर दे विच दिमाग है, दिमाग नाल इंसान सोचता है ना, अपनिया सोचां ते पैरा रख, तू सोचता की उन्हें, अपने सर दी हिफाजत करना, अपनी सोच मुसबत बना, सोच अच्छी रख, तेरी फिक्र दे जाविए दुरुस्त होने चाहिए ने। कभी बुरी सोच ना सोच और बुराई दी सोच ना सोच, जिन्या सोचा निखर दियां जानगियां, अल्लाह जिंदगी आसान करता जाए। सर और सर दे इर्द गिर्द दी हिफाजत कर। सिर दे इर्द गिर्द की लग्या? अखां, कन, जुबान, की बोलदे हो सारा दिन, केड़ियां केड़ियां गल्लां कर जांदे हो? अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया, इंसान अपनी जुबान तो एक एवें दी गल करदा है, ला युल की लहा बालन, उस गल दी उन्हूं परवाह भी नहीं हुंदी, अल्लाह उस गल दी वजह नाल उन्हूं जहन्नम दे विच 70 साल डेग देंदे ने। ओ मैं ते जी एवें लतीफा ही बनाया सी, बस ये तेनों लतीफ़ियां वास्ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ते दीन ते इस्लाम ते कबर ते जबरील ते फरिश्ते ते जन्नत ते जहन्नम लभे। कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्ताज़ियून ला तअतज़िरु कद कफरतुम बादा ईमानिकुम। अल्लाह कहंदे ने, मजाक करना है अपने रब नू, रसूल नू, दीन नू, अज़ान नू, इस्लाम, ईमान, कुरान, कुरान दी आयतां ते जबरील ते फरिश्ते, जन्नत ते जहन्नम, शायर इस्लाम। अल्लाह फरमांदे ने, ला तअतज़िरु कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, हुण बहाने ना बना, मैं तेनू ईमान वालियां चो कढ के काफरां दी लिस्ट च खड़ा कर दिता है। इन्हां दे लतीफे ही नहीं मुकदे। मजाक, अपनी जुबान दी हिफाजत कर भाई, अखां दी हिफाजत कर। की देखदे हो सारा दिन? ये मोबाइलां तू जान नहीं छुटदी जवान दी, फिल्मां चल रही ने सौण तो पहले भी देखदा। माशाल्लाह, माँ अपने मोबाइल ते लगी हुंदी है, बाप अपने मोबाइल ते लग्या, बच्चों लैपटॉप लैके दिते ने। ये माशाल्लाह मुसलमाना दा घर है, इस घर च रब दियां बरकतां पईयां ने। ओए दोहराओ अपने सलफ दी याद। अल्लाह दे रसूल साहबा दे घरों को लंघदे हुंदे सी ते कुरान दी आवाज़ आंदी सी। उलमा ने लिखिया, मैं गल शुरू की ना, माँ दे पेट च बच्चा 120 दिन जदों गुजर जान ना माँ दे पेट च,
ते पता सब तो पहले अल्लाह ताला इंसान नू जिस्म दा केड़ा हिस्सा देंदे ने, फजअलनाहु समीअन, अल्लाह कहंदे ने मैं उन्हूं सुनन वाला बनाया। मां दे पेट च सब तो पहले कन लग्या है, ओए बच्चा मां दे पेट च ही सुनना शुरू कर देंदा है गल्लां बाहर दियां। ते उलमा कहंदे ने जो 120 दिन गुजर जान ना मां दे हमल नू, ते उन्हू चाहिए उची उची कुरान पढ़े ताकि उदा बच्चा पेट च ही कुरान सुन लग पाए। ते जेड़े घर च गाने चलते हैं वह गाने सुन सुन के बाहर निकलेगा तो आलिम बन जाएगा, हाफिज बनेगा, कारी बनेगा। सानू तो यकीन करो बड़ा अफसोस होंदा है 9-10 बजे बच्चे के कान तू फड़ के बाप लै आंदा है, कारी साहब है मुंडा मेरा कुरान पढ़न ही नहीं आता ना नमाज पढ़ता, आप उठे 9 बजे। ये कि कुछ लोग बिछा कर कांटों को गुलशन की तवक्को रखते हैं। तू की कर रहे हैं अपनी जिंदगी ते नजर रखना भाई। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक वाक्या सुनाया, मैं हदीस भी इंशाल्लाह पूरी करना, मैं 11:15 तक मेरा टाइम। आपने फरमाया एक बंदा ना गां लैके जा रहा है, माशाल्लाह तुसी पिंडा वाले लोग हो, ते वो चलते चलते ना गां दे उत्ते चढ़ गया, सवारी करन लग, वो गां जदों टुरी नहीं तो उन्हें सोटा मारिया। अल्लाह अकबर। गां पता की कहन लगी, इन्ना लम नुखलक लिहाजा इन्नमा खुलिकना लिलहर्स। ओए अल्लाह दे बंदे, मैं इस काम वास्ते पैदा नहीं हुई जेड़ा काम तू मेरे को लैन लगे हैं, मैं सवारी वास्ते नहीं पैदा हुई, रब ने मैनू खेती नू पानी लाने वास्ते पैदा किया। असी गल समझांदे हुंने आ, ओए जानवर होके बेजुबान होके बेअकल होके अपनी जिंदगी दे मकसद नू समझदा, तू इंसान होके नहीं समझदा। बस खा लिया तो पी लिया तो दुकान खोली तो बंद, ना नमाज ना रोज़ा ना जकात ना हज ना इबादत ना रियाजत ना अमानत ना अखलाक ना दीन ना इस्लाम, जिंदगी जानवर तू बदतर है। अल्लाह कहंदे ने शर्रत दवाबीन दल्ला असुमुल बुकमुल लदीना लाया किरोन। और कदी अकल कर, तू तो जानवर नालों भी थले जा रहे हैं। पत्ती नहीं बस जैतून, तेनू रब ने इज्जत किड़िया दितियां सी, सारी कायनात नू रब ने कुन कह के बनाया, अपने बंदे नू अल्लाह ने हत्था नाल बनाया। खलक तू भी अदैया, ओए तेनू मैं अपने हाथ नाल बनाया। लकद खलक नल इंसान अफी अहसनी तकवीम, सारी कायनात तू खूबसूरत शक्ल तेरी। वाला कद कर रमना बनी आदम, मैं आदम दे बेटे नू पूरी कायनात तू अफजल बना छड़े, तेरी एडी शान सी। ओ एक दफा ना एक बंदा बड़ा पुठा जा आपदी बीवी नू पता की कहन लग्या, बीवी नू कहंदा जे तू चन्न नाल सोहनी ना होवे ते तैनू तलाक। अकलां दे मारे बेचारे गल गल ते तलाकां देण वाले, एवें मजाक नाल ही क्या होना है, कहंदा जे तू चन्न नाल सोहनी ना होवे ना ते तैनू तलाक। हुण बाद च ज़हन च है मैं की गल कर बैठा हूं, इमामे मालिक रहमतुल्लाह अलैह कोल आ गया, उन्होंने खिदमत हाजिर हो के कहन लगे कि जी मैं अपनी बीवी नू ऐ कलमा बोल बैठा वा, मैनू दसो तलाक हो गई कि नहीं। ते ओ फरमान लगे कि चन्न दियां ते लोग मिसालां देंदे ने ना, माँ अपने पुत्र नू कहंदी मेरा चन्न आया, ते चन्न नालों सोहनी किहड़ी शै है, तेरी बीवी नू तलाक हो गई, ते हुण विचारे ने मूंह लमका लिया। साडे कोल भी बड़े आंदे ने तलाकां दे मसले लैके, ते देंदे क्यों, सबर कर जाया करो ना, उदों आखिर अल्लाह दी बंदी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुनिया तो जा रहे सन, ते आपने फरमाया सी बीवियां नाल चंगा सलूक करिया जे, असी उन्हां नूं बिगाड़ लिया, उन्हां नाल ही साडी बिगड़ जांदी। मारा मार दे, रब कोलों डर नहीं आंदा, क्यामत वाले दिन सवाल नहीं होएगा जे तेरी कंध दे फासले च परला बंदा जिन्हों असी हमसाया ते पड़ोसी कहने आ, आपने फरमाया उन्हों तंग करो ते ईमान नहीं रह जांदा। ते दुनिया ते सब तो वड्डा पड़ोसी तेरी बीवी है। हुन्ना लिबासुल्ला कुम वान तुम लिबासुल्ला हुन्ना, जे उन्हों तंग करोगे ते ईमान रह जाए। हुण जदों परेशान हो के जान लग्या ना, ते इमामे शाफी रहमतुल्ला अलैह बैठे सन,
मेरे इत्थे बेटे भी बैठे ने, बच्चे भी बैठे ने, शगीरद नुमा भी बैठे ने। अपने उस्तादां दा हया करिया करो, अपने उस्तादां दा अदब करिया करो, बड़ियां दा एहतराम करिया करो, छोटियां दे नाल शफकत करिया करो। जुबान अपनी मिठी रखिया कर, नज़र नू झुका के रखिया कर, बोल सोने बोलिया कर, दिमाग साफ सुथरा रखिया कर। दिले च हसद ते बुगज ते कीने ते अदावता ते दुश्मनियां ते इख्तलाफ ते लड़ाई ते झगड़े ते कीना परवरी नू कढ़ के बार मार। रब्बे काबा दी कसम है, जन्नत तेरा इंतजार करे। और अल्लाह ने जन्नत देनी किनू है? साड़ियां ते मिठदियां ही नहीं ना, सिद्धी जी गल है। शादी कार्ड नहीं आया तो 6 महीने बोलता नहीं, एडा दिमाग दा मारिया इंसान है। वो गल ये ना समझदा मैं बड़ी शह। गल्लां बड़ियां ने वायरल करन वास्ते। इमामे शाफी एडे बा अदब सन, वो कहंदे हुंदे सन मैं अपने उस्ताद इमामे मालिक दे सामने पूरी जिंदगी कदी पानी नहीं पीता, जरूरत ही नहीं पैंदी मैं अपने उस्ताद दे सामने पानी पी लवां। ते कदी कापी दा किताब दा वर्का बदलदे ना उन्होंने सामने, तो इन्नी आहिस्ता बदलते होंगे सन कि वर्के की खड़ाक नाल किते मेरा उस्ताद परेशान ना हो जाए। तो फिर पा गया ना मुकाम दुनिया ते भी ते आखरत ते भी। हौली जी बुला के कहन लगे कि उस्ताद जी ने की कहा? उन्हें कि उस्ताद जी ने कहा चन्न नालों सोना तो कोई भी नहीं हुंदा, तेरी बीवी नूं तलाक हो गई। उहदा हथ पकड़ के ना उस्ताद की खिदमत च हाजिर होकर कहन लगे उस्ताद जी अगर इजाजत दो तो मैं छोटी जी गुजारिश कर लवान। बला दे जहीन सन, बला दे जहीन। जेड़ा बंदा गुनाह नहीं करता बड़ा जहीन हुंदा जी, ते गुनाहां नाल अल्लाह अपनियां नेमतां खो लेंदे। इमामे शाफी नूं देख के इमामे मालिक ने कहा सीन नी अराफी वजही का नूर। ओए शाफी तेरे चेहरे ते नूर है, ला तुतफी नूर का बिल मासी। गुनाह करके अपना नूर मिटा ना बमी कि दे। कहन लगे उस्ताद जी इजाजत दें दे, छोटी जी गल कर लवा। फरमाया हाँ बेटा। कहंदे मैनू लगता है इहदी तलाक नहीं हुई। शाफी तू किवें दीआं गल्लां करना, तलाक क्यों नहीं हुई? कदी कोई चन्न नालों भी सोहना होया? कहन लगे हाँ जी उस्ताद जी। अल्लाह फरमांदे ने वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनी नवाज़ल बलदिल अमीन लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीन। चार कसमां रब उठा के कहंदा इंसान नू सारिआं तों सोहणा बनाया। अगली आयत बड़ी खतरनाक है, सुम्मा रद्दनाहू असफल असाफिलीना। मैं इंसान नू इज्जत बड़ी दित्ती सी, इन्हें मेरी दित्ती इज्जत दी हया ना कीती, ते मैं कुत्तियां ते खंजीरां तू भी बदतर बना दिता। डिग गया भी सब तू थले असफल असाफिलीन। जे रब दा बन जाएगा दुनिया आखरत इज्जतां पा जाएगा। जे हुक्म रब दे मोड़दा रहा मर्जियां अपनियां ते ख्वाहिशां अपनियां ते चाहतां अपनियां, ते मेरे दोस्ता जानवरां नालों बदतर जिंदगी इंसान दी। लिहाजा समझ और खूब समझ दुनिया ते आया क्यों है। जे जानवर समझदा अल्लाह अकबर। सही मुस्लिम दी ना ते एक रवायत बड़ी अजीब है। ये बगियाड़ जानते हो ना कि उन्हें उर्दू च कहंदे ने भेड़िया। वह बगियाड़ ने बकरी चुक ली अयड़ी चो रेवड़ी चो, तो बकरियां चराने वाले ने अगे वध के ना वो मूँह चु बकरी खो ली। तो वह कहन लग्या कमलिया तू किन्नी देर तक बकरियां चरांदा फिरेगा? ओ जा खजूरां वाली सर जमीन ही उत्थे आखिरी नबी आ गया ही, उहदा कलमा पढ़ मुसलमान होके इबादतां करिया कर। सारी जिंदगी बकरियां ही चराणियां जे, ओए दुकानां ही खोलनियां जे, बस पेट की फिक्र रखनी जे, अल्लाह दे फरमान नू याद नहीं जे करना। यबना आदम तफर्रग नफसक लिइबादती अमला तू यदा कबिल गिना। ओए आदम दे बेटे अल्लाह आवाज दे के कह रहे ने अपने आप नू मेरी इबादत वास्ते फारग कर, मैं तेरे हत्थां नू बरकतां दे नाल भर दिया। और अगर तू नहीं करेगा तो भी तजर्बा करके वेख ले। अमला तू यदा कबिल फकर 24 घंटे दियां तेरियां ड्यूटियां ते पूरी नहीं पैनी।
रब वास्ते टाइम कढ़ो। एक हातम नाम का आदमी है ते रोंदा रोंदा अपने बच्चों नू कहन लग्या कि बुढ़ा हो गया ते बड़ी ख्वाहिश सी हज कर लेंदा लेकिन ना इन्नी ताकत ते ना कदी तुसी तरला मारिया तो बेटी नू ना बड़ा रहम जे आ गया। उन्हें घर का सारा कुछ इकट्ठा करके ना उन्हें कहा अब्बा जी तुसी रब ते तवक्कल करो ते निकल जाओ वेखी जाएगी। सारा समान इकट्ठा करन तो बाद ना सिर्फ तीन दिन का खाना घर च बचिया ते कोई कमाण वाला भी कोई नहीं, बच्चा छोटा ते एक बेटी ते एक बीवी। उन्हें रब ते तवक्कल किया ते निकल क्यों जी राजक कौन है साडा ईमान है ना ते दुकान नमाज टाइम दुकाना क्यों नहीं जे बंद कर दे ओ जी साडे गाहक खराब हो जाएंगे जी गाहक वापस चला जाएगा जी। ओए तू रब नू राजक मन्निया ही नहीं। पिछले दिन समंदर चो एक मछली उन्होंने कढ़ी है करेना दे नाल गालबन एक टाइम 14 टन खुराक खाँदी है 14 टन एक टाइम ते इवें दियां किन्नियां मछलियां होणगियां ते किन्नियां मखलूकां होणगियां। अल्लाह सारिआं नू रिजक दे रहा है ना। ओए तू ते उहदा बंदा सी तैनू किवें भुखा मारेगा। तू रिजक दी तलाश च राजक नू भुल गए हो सीधे पासे आ ना। बाप निकल गया ते उधरों तीसरा दिन आ गया ते घर च कुछ भी कोई नहीं खाण वास्ते ते बेटे ना ए बेटी नू कहन लग पे अपने सिस्टर नू तू भेज लै बाबे नू। कई बेचारे ना एवें अकलां दे मारे हुए बाप उमरे ते जाण लगे तो कहिंदे ने अब्बा तू हुण की जाके करना उमरे दे रहण दे उमरे नू दुकान पा लैने ऐ कर लैने वो कर लैने पहले आप दियां कुड़ियां दी शादी ते कर लै फिर जावी उमरे ते। नबी कायनात अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ लोगो ताबिउ बैनल हज्जी वल उमरा फइन्नहुमा यनफियानिल फकर व युमहिकानिल ज़ुनूब। ओ लोगो उमरे बार बार करया करो हज्जा बार बार करया करो अल्लाह सारी जिंदगी दे गुनाह भी मिटा देगा अल्लाह थोड़ियां गरीबियां भी दूर कर देगा। उलमा कहंदे ने उमरे ते हज दे पैसे अल्लाह रखदा ही नहीं बड़े बढ़ा चढ़ा के वापस देंदा है। मैं एक जगह ते प्रोग्राम किया ते बंदा मैनू जफ्फी पा के छड़े ही ना। मैं क्या खैर है भाई जान कहंदे कारी साहब तुसी 6 महीने पहले इत्थे एक दरस दिता सी तुसी कहा सी जेड़ा बंदा ये सोची बैठा है ना कि मैं पहले बेटियां दी शादी कर लवां ते फिर उमरे ते जावांगा वो ये सोच खत्म करे वो उमरे ते जावे अल्लाह उहदी बेटियां दा बंदोबस्त खुद कर देणगे। मैं थोड़ी गल मन के इवें ही कीता जे अल्लाह ने उमरा भी करा दिता है 2 बेटियां दा निकाह भी करवा दिता है और सोहनी जगह ते करवाया है। भाई रब दा कानून है इन अल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन अल्लाह नेकां दी नेकी कदी जाया करदा जाया नहीं करेगा ना बंदे नू जाया होण देगा ना बंदे दी नेकी नू जाया होण नहीं। अच्छा ये बेचारा काफले च ते मंगदा मुंगदा किसे कोलू नहीं शह उहदे कोल कोई है को नहीं सी चज दी। वो अल्लाह दा करना ऐसा होया कि काफले च एक बंदे नू ना किसे शह ने डस लिया कुछ शह लड़ गई अठुएं छुएं कुछ शह लड़ी ते उन्हें छेती नाल आवाज दी उन्हें कहो किसे नू दम करना आंदा उन्हें कहा मैं कर लेना वा। उन्हें दम किया अल्लाह ने शफा दी उन्हें हौली जी पैसों की थैली कढ़ के उन्हें तोहफे च दे उन्हें कह लिया मेरी तरफों तोहफा ओदे आन का भी रब ने बंदोबस्त कर दिता ओदे जान का भी रब ने बंदोबस्त कर दिता है ते उत्थे ही हथ चुक के कहन लग्या अल्लाह मेरा ते कर दिता ही हुण मेरी औलाद का भी करना कौन करदा है क्यों जी ईमान है जे ते अपने बेटियां बेटियां वास्ते सारी जिंदगी बनाते बनाते मर जाने असी रब वल्ले क्यों नहीं आते। इन्हां नूं ही मरन तो बाद दुआवां भी नहीं आंदियां जनाजे दियां बाबे दा जनाजा किवें पढ़ना है असी उन्हां नूं पढ़ा पढ़ा के ना अंग्रेजियां इस काबिल कर दिता है। पिछे एक बच्चा अमेरिका जो पढ़ पढ़ के आया आया उदों जदों उहदा अब्बू फौत हो गया ते पता की कहन लग्या शर्म ते हया ते डुब मरन दा मुकाम है कहन लग्या कि अब्बू दी लाश नूं अग किन्ने लाणी है मैं लानी है कि किसी होर ने लानी और नू इन्ना भी नहीं पता कि बाप का जनाजा पढ़ना इंडिया दी फिल्मां वेख वेख के कहंदा अग किन्ने लानी
जो कुछ इन्होंने विखाओगे यही ही इन्हों की तरबीयत होगी। रब वाले बनो भाई, अल्लाह सानू तौफीक दे। अच्छा अल्लाह का करना ऐसा होया, वक्त का खलीफा किधरे जा रहा है तो उन्होंने थोड़ी जी प्यास महसूस हुई, उन्हें अपने बंदे नू कहा जा ये तू किसे करो पानी फड़ के लिया। वो उन्होंने घर ही पानी लैन चला गया, कड़े च पानी पिया सी, उन्होंने पा के दे दिता तो बादशाह ने पानी पीता ना तो उन्होंने बड़ी लज्जत जी महसूस हुई। ईमान वालियां दी रोजी च बरकत हुंदी, बेदीना दी रोजी च बेबरकती हुंदी। वो पानी पी के कहन लगे पानी कित्थों लैंदा जे, उन्हें कहा जी हातम इत्थे नामी कोई आदमी ओहदे घरों लैके आया। उन्हें कहा भाई किसे दा एहसान लैके नहीं जाना चाहिदा, उन्होंने मेरे ते एहसान किया ना, उन्हें वह पट्टी जी पाई सी ओहदे ते सोना ते चांदी ते हीरे ते जवाहरात लगे सन, उन्हें उतार के कहा जाओ उन्होंने मेरी तरफ तोहफा दे। सारी जिंदगी बह के खांदे रहे, खत्म नहीं होया ना हज ते ना उमरे ते, इंसान नू मोहताजगी नहीं आएगी। नेकी दे रस्ते ते चलोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतां दे दरवाजे खोल देगा। लिहाजा मेरे भाइयो दोस्तों साथियों बुजुर्गों माओ बहनों बेटियों एक बात अच्छी तरह याद कर लो, असी इस दुनिया ते की करन आए हैं। जानवर समझ गए, वह बगियाड़ होके समझ गया और उस चरवाहे नू कहन लग्या कलमा पढ़, अपने रसूल नू मन, अपने रसूल दी मन ते आजा दीन आले पासे जे चंगा रहना ही थे। असी इस दुनिया ते दो काम करन आया बस, और तीसरा कोई काम नहीं। जे रब दी इबादत करके रब नू खुश कर लो ते रब दे बंदियां दी खिदमत करके मखलूक नू खुश कर लो, अल्लाह रिजक दे दरवाजे सारे ही खोल दे। बरकतां नाल अल्लाह अपने घरां नू भर देगा, औलादा फर्मा बरदार बननगियां, जिंदगी आसान हो जाएगी। और ये मैं अपनी तरफ बात नहीं कर रहा, ये रब ताला दा ऐलान। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन अव उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह फरमांदे ने बंदा होवे बंदी है मुज़क्कर है मुअन्नस है जेड़ा नेक अमलां वल आ जाएगा असी उहदी जिंदगी खूबसूरत बना देंगे। ऐसा बात में इख्तिताम दी तरफ लै जावां, हदीस जिहड़ी मैं तुहाडे सामने पेश कर रहा सी उहनू याद करके इस मजलिस विच चले जाओ। अल्लाह सानू अमल दी तौफीक नसीब फरमाए, साढ़े आन दा इंशाल्लाह मुल मुड़ जाएगा। आपने फरमाया सब तो पहला काम जेड़ा बंदा अपने दिले च रब दा खौफ पैदा करना चाहता है, हया पैदा करना चाहता है, अपने रब दा एहतराम पैदा करना चाहता है, सब तो पहला काम ये करे फल यहफज़िर रअस वमा वआ, सर और सर दे इर्द गिर्द दी हिफाजत करया करे, अपनी अखां दी हिफाजत करया कर। यकीन कर कदी रात दे पिछले पैर तैनू कोई ना होवे वेखण आला, उठ के अपने रब दे सामने रो ना। बच्चा पैदा होवे ना बच्चा ओदे कोल सिवाय रोण दे कुछ भी नहीं, रो के मंगदा है, रो के दसदा है, रो के मनांदा है, ते मां समझ जांदी है क्यों रोंदा है। दूजे कमरे च खली होवे ते उहनू पता चलदा है भुख दा रोना है कि बीमारी दा रोना है कि तकलीफ दा रोना है कि बच्चे नू धोण दा रोना है, वह दस देंदी है की होया है। रब दे सामने जिस मकसद वास्ते रोवोगे अल्लाह कामयाब करे। एक बंदा कहना मैं 7 साल इस वजह ना रब दे सामने रोंदा रहा कि या अल्लाह मैनू अपने नबी की जियारत करवा ना, अल्लाह ने करवा दी थी। 7 साल बाद कदी सामने जाओ कल्ले बह जाओ अपनी जिंदगी नू याद कर मैं किवें दी गुजारी है ते रब दे सामने रो। इमामे औज़ाई बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने घर एक औरत आई ते आके कहन लगी इमामे औज़ाई रहमतुल्लाह दी बीवी नू कि औज़ाई इत्थे नमाज पढ़ के गए ने, वक्त दा इमाम बनया फिरदा है ते दुनिया जहान दे शगिरद आके उन्हां कोल इल्मे हदीस पढ़दे ने, उन्हू इन्ना ही पता नहीं इस जाए नमाज से बच्चा पेशाब करके चला गया, इत्थे नमाज पढ़ गया, इवें नमाज कबूल पई हुंदी है। अल्लाह अकबर। बीवी कहन लगी ओ कमलिए ये जिन्नू तू बच्चे दा पेशाब पी समझनी है ओदी अखां दे आंसू ही, नमाज पढ़े तो रोंदा बड़ा है। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ते सी तो रोंदे बड़े सी, अल्लाह दे पैगंबर जदों तहज्जुद पढ़ते सन वफी सदरी ही अजीज़ुन का अजीज़ इल मिर्जल, अल्लाह दे पैगंबर दे सीने च रोण दियां एवें आवाज़ां आंदियां सी जिवें हंडिया च पानी उबलन दियां आंदियां। जे तेरिया अखें चो आंसू खुशक हो गया तो समझ दिल मुड़दा है,
फिर इस दिल नू ताज़ा कर जिक्रे इलाही नाल, इस दिल नू ताज़ा कर तिलावते कुरान दे नाल, और इन चीज़ां ते पाबंदी नाल अमल करना शुरू हो जा। अपनी अखां दी हिफाजत कर, अपने कन्ना दी हिफाजत कर, अपनी जुबान दी हिफाजत कर। और दूसरा काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया, वल यहफज़िल बतना वमा वआ, अपने पेट ते पेट दे इर्द गिर्द दी हिफाजत करया कर। हराम दे लुकमे ते नहीं खांदा, हराम दे लुकमे ते नहीं खिलांदा अपनी औलाद नूं। वो 40 दिन इबादत कबूल ना होवे एक लुकमे नाल। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लंबा सफर करके आराम पाया, हजरे अस्वद के सामने है, बैतुल्ला है, मक्का मुकरमा है, मताफ है, तवाफ की जगह है, मस्जिद हराम है, एक लख नमाज का सवाब है, हाथ चुक के खड़ा है, बाल परा गंदा, सिर च मट्टी पई है, अल्लाह नू हालत रहम वाली नजर आ रही है, दुआवां कीती जा रहा है, या रब या रब, ऐ अल्लाह मेरिया सुन, ते आसमान तू आवाज पे आंदी हुंदी है, अन्ना युस्तजाब, ओए तेरिया किवें सुनिया जा सकदियां ने, अकलू का हराम उन, मतामू का हराम उन, व शराबू का हराम उन, वाली बासू का हराम उन, तेरा खाना हराम दा, तेरा पीना हराम दा, तेरा पहनना हराम, तेरा लिबास हराम दा, ओए हराम दिया कमाइया होन ते अल्लाह इबादतां कबूल है। ऐता ए लाहोती उस रिज़्क से बहुत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही, एक लुकमा ही खा लेकिन हलाल दा। वल यहफ़िज़िल बतन, अपने पेट दी हिफाजत करया कर। वमा वा, और पेट दे इर्द गिर्द दी हिफाजत करया कर। शर्म दा मुकाम जना पे हुंदे ने, ए अल्लाह दे अजाब एवें ते नहीं आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उम्मत जना आम हो जाए ना, तो उन्हें बीमारियों का इंतजार करया जे जिन्हों का पिछलिया ने नाम ही नहीं सुनया होएगा। ये अजाब ही आ रहे ने साडे ते, थोड़े करीब ही है ना मुल्तान, सोशल मीडिया तो वाकफ लोग समझते हो। नश्तर हॉस्पिटल की छत से 500 लाशा, किसी का दिल कढ़िया है, किसी का जिगर कढ़िया है, किसी की अख कढ़ी है, तो उन्होंने उत्ते सुट दिता है, कां पे खांदे ने। इंसानियत इस हद तक गिर गई, अल्लाह इन्ने नाराज हो गए, सारिया नेमत रब खोना शुरू हो गया भाई, वापिस आ रब की तरफ। जे रब की नाराजगी तू बचना, अपने पेट और पेट के इर्द गिर्द की हिफाजत कर। और तीसरे नंबर ते आपने फरमाया, वल यज़कुरिल मौत वमा बला, मौत ते मौत दियां सख्तियां नू याद करया कर। कदी कब्रस्तान जाओ ना यार रात दे टाइम, जिस बंदे दा दिल बड़ा सख्त है ना, कब्रस्तान दे चक्कर लगावे, हस्पतालां दियां अमरजेंसियां दे चक्कर लगाओ, निकलदियां लाशां नू वेखो, तड़पदे मरीजां नू वेखो, यतीमां दे सिरां ते हथ रख, फिर अल्लाह दिल नरम करेगा ते अखें चो आंसू डिगणगे। और चौथे नंबर ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन तारा का जीनत दुनिया फकद इस्तहया मिन अल्लाह हक्कल हया, दुनिया को जान छुड़ा जिस कदर छुड़ा सकते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कोलू दुआ है, जो सुनया सुनाया अल्लाह सानू अमल प्यारा होने की तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।